क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर फाइन. एक स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा आपको मैं क्या बताती हूँ, लाइन बताती हूँ, कोटेशन बताती हूँ. अराइज अवेक, उठो जगो, खड़े हो जाओ. डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड. तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पा मत लो. उठो जगो और तब तक खड़े रहो, अडिग रहो. तब तक अपना रास्ता ना छोड़ो जब तक कि अपने गोल को पा ना लो, गोल तक पहुंच ना जाओ. ठीक है, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को हासिल ना कर लो तब तक अडिग रहो. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास. हमने कल आरबीसी फिनिश किया था, आज हम शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी क्यों, इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं. सबसे पहले तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है. हीमोग्लोबिन कैसा होता है हमारा, रेड होता है. हीम आयरन की वजह से रेडनेस होती है उसमें, लेकिन इसमें हमारा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से कैसी होती है, व्हाइट होती है. ठीक है, कैसी होती है, व्हाइट होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है. इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स. आरबीसी को क्या कहते थे, एरिथ्रोसाइट कहते थे. और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. इट हैज न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है. हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट नॉट अ हीमोग्लोबिन. लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है. देयर नंबर इज लेस अबाउट 4,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड. इसमें ब्लड का लगभग 4,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक हिस्सा पाया जाता है. इसमें बहुत कम क्वांटिटीज की होती है आरबीसी से. ठीक है, डब्ल्यूबीसी और अमीबॉइड ये कैसे होते हैं, अमीबा की तरह होते हैं. इनमें भी स्यूडोपोडिया होते हैं, अभी मैं इन डायग्राम बताऊंगी आपको. स्यूडोपोडिया होते हैं जिसकी वजह से ये स्क्वीज हो जाते हैं, कैपिलरीज से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ठीक है, इनटू द टिश्यूज. किसमें, टिश्यूज में. इसीलिए इनको डायपिडेसिस कहते हैं. डाया मतलब होता है क्रॉस, और पिडेसिस मतलब होता है ओजिंग आउट, मतलब एक कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी तक ये बाहर चले जाते हैं. ठीक है, ऊज आउट हो जाते हैं. ऊज आउट मतलब होता है बाहर स्विम करके चले जाते हैं. स्यूडोपोडिया होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें क्या बन जाते हैं, हमारा अमीबा कैसा होता है, कैसा नहीं, मतलब कोई शेप उसका डेफिनेट नहीं होता है हमारा, है ना. ऐसा अमीबा होता है. अमीबॉइड मतलब हो गया अमीबा के शेप का, जिसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे टू पार्ट्स में होती हैं. ठीक है, मेनली ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. अभी मैंने ये क्या कहते हैं, इनके टाइप्स नहीं बताए हैं, यहां मैं रफली बता लेती हूँ. ये ऐसे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रैन्यूलर होते हैं, दूसरा नॉन ग्रैन्यूलर होते हैं. ठीक है, तो जो ग्रैन्यूलर्स होते हैं, इनके हमारे ग्रैन्यूलर और नॉन ग्रैन्यूलर में ये टोटल 5 होते हैं. ठीक है, इनके और ये क्या होते हैं, और 5 टाइप्स होते हैं. ये मेन टू टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्यूलर और नॉन ग्रैन्यूलर. इनमें क्या होता है, इनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं ग्रैन्यूलर में. न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, लोब्स में बटे होते हैं. और जो नॉन ग्रैन्यूलर्स होते हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता और एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है. ठीक है, इसमें टोटल ये 3 टाइप्स के होते हैं और ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इसमें 3 कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिनोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स. ठीक है, ये 3 टाइप्स के ये होते हैं, न्यूट्रो, इओसिनो और बेसोफिल्स. ठीक है, इसके बाद इसमें कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं. इसमें ये 2 कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. ठीक है,
ये फाइव टाइप्स होते हैं, इनका मैं पूरा एक चार्ट बताऊंगी। ये वाला पहले WBC पूरा कर देती हूँ, फिर इनके टाइप्स में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये टू मेनली टाइप्स के होते हैं। WBC हैज टू टाइप्स, ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर। तो ग्रैनुलर भी थ्री टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और जो नॉन ग्रैनुलर होते हैं, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसकी ओरिजिन और लाइफ ऑफ WBC जानते हैं, ठीक है। RBC की जो लाइफ होती है वो कितनी थी, 120 डेज होती है, और इसकी तो उससे भी कम होती है, 2 वीक्स होती है, मतलब सिर्फ 14 डेज, ठीक है। तो जो ये होते हैं WBC, ये भी हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स में, और कुछ बार किसमें बनते हैं, लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। किसमें बनते हैं, ये हमारे बोन मैरो में भी बनते हैं, लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं, और कुछ टाइम्स हमारे कहाँ बनते हैं, लिवर और स्प्लीन में भी बनते हैं। इनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है, 2 वीक्स होती है, कितनी होती है, 2 वीक्स होती है, और RBC की कितनी होती है, 120 डेज होती है, ठीक है। ये थी हमारी ओरिजिन और लाइफ। इसमें ओरिजिन में एक चीज और बता देती हूँ, इसके जो टाइप्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की लाइफ इससे भी कम होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, इसकी सिर्फ कुछ घंटे होती है, लगभग ये एक दिन में 125 बिलियन लगभग प्रोड्यूस होते हैं। कितने होते हैं, लगभग ये हमारे 125 बिलियन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 125 बिलियन से प्रोड्यूस होते हैं, ये सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए होते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे RBC खत्म होती है, स्प्लीन में जाती है, वैसे ही हमारी WBC का भी डिस्ट्रॉय का नियम वही है, ठीक है। जैसे RBC वैसे ही WBC का भी डेथ का प्रोसीजर वही है, ठीक है। जो WBC के इंक्रीजेस होते हैं, जब इनका काउंट बढ़ जाता है, WBC काउंट बढ़ जाता है, इनके ये ब्लड सेल्स कार्पसल्स बढ़ जाती हैं नंबर, तो इनको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। ट्रीटमेंट इज ओनली, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड को बदलना पड़ता है, ठीक है। जब इसमें क्या होती है, ल्यूकीमिया में इसकी जब ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं WBC की, तो इसको ल्यूकीमिया कहते हैं। और ये कैसे चेंज होता है, मतलब ये खत्म होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ये खत्म होता है, ठीक है। और जब इसकी कम हो जाती है, नॉर्मल डिक्रीजमेंट होता है, किसमें, ल्यूकोपीनिया कहलाता है वो, ठीक है। इन द नंबर ऑफ WBC जब क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, अब नॉर्मलिटी में डिक्रीज होती है, तो वो क्या कहलाती है, ल्यूकोपीनिया कहलाता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ WBC ये हमने पढ़ लिया, इसका ओरिजिन WBC के बारे में। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं, इसको फेगोसाइटोसिस क्यों कहते हैं, इनके फंक्शन में फेगोसाइटोसिस क्यों आता है, पता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये जो हमारे डिजीज कॉजिंग हमारे जो इतनी भी सेल्स आती हैं, बैक्टीरिया या जर्म्स आते हैं, उनको ये क्या करती हैं, फेगोसाइट कर लेती हैं, खा लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, उनको खा जाती हैं, जिसकी वजह से ये फेगोसाइट्स कहलाती हैं, फेगोसाइटोसिस इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जो भी हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, ये क्या करती है, पार्टिकल्स को, जैसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह को, ये खा जाती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं, खा जाती हैं, ठीक है। इट्स अ डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज जर्म्स, ये क्या करती है, जो भी हमारे डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उनको ये क्या करती हैं, डिफेंस, हमें बचाती हैं उनसे, ठीक है। डिफेंसिव मैकेनिज्म ये यूज करती हैं, हमें उनसे बचाती हैं। जैसे हमारे कारगिल वगैरह में युद्ध होता है, जब पाकिस्तान बॉर्डर में या कहीं भी बॉर्डर वगैरह में लड़ाई होती है, तो हमें क्या करती है, आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है ना, सोल्जर्स जो होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, मिलिट्री मैन्स होते हैं, हमें डिफेंस करते हैं, बचाते हैं। वैसे ही इनकी भी प्रोसेस होती है, ये हमें क्या करती है, जो बाहरी पार्टिकल्स आते हैं, अननोन पार्टिकल्स आते हैं, जर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उन सबसे ये हमें क्या करती है, बचाती है, ठीक है। When WBCs increase up to 50,000 or more per millimeter cube indicates infection. जब हमारी WBC बढ़ जाती है 50,000 millimeter cubic से बढ़ जाती है, तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है इन्फेक्शन। क्या इंडिकेट करती है, इन्फेक्शन की हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और उनको ये जल्द से जल्द खत्म करने का काम करती है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, जलन होना, इन्फ्लेमेट होना, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम होना,
जैसे इट अकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजरी एंड लोकलाइज इन्वेशन ऑफ जर्म्स. ये क्या करती है, जैसे ही कोई टिश्यू इंजर्ड होता है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, टिश्यू इंजर्ड हुआ, उसमें लड़ाई झगड़े में टिश्यू हमारे सेल्स क्या होती हैं, मरती हैं बहुत सारी, ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये वहीं पर डटी रहती हैं जब तक कि उस जर्म से लड़ ना लें, उस जर्म को खत्म ना कर दें, ठीक है. तो हमें क्या होता है, कई बार इसीलिए हमारी तबीयत खराब होती है, और ये क्या करती हैं, अपनी प्रोड्यूस बढ़ाती हैं जिससे कि हमारे अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया कम हो जाए और हम उनसे लड़ सके, हमारा इम्यून मेंटेन करती हैं. इन्फ्लेट स्पॉट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, जब इन्फ्लेमेशन होता है, जहां पे भी दिक्कत होती है वहां पे क्या होता है, हीट हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, और बहुत कुछ बीमारियां, कई बार फीवर भी आ जाता है हमें इन्फेक्शन या इसकी वजह से. दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस, और ये क्या करती है, जितनी भी हमारी डैमेज सेल्स है उन्हें फेगोसाइटोसिस के थ्रू खत्म कर देती है, उनको खा जाती है, ठीक है. और इसमें क्या है, वही डायपेडेसिस की तरह ये काम करती है, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को मारती है, डिस्ट्रॉय करती है डैमेज सेल को. और इसमें एक आता है आपका पस, हम लोग कहते हैं ना कि पस पड़ने लगा है, तो पस क्या होता है हमारा, ठीक है, पस क्या होता है ये जान लीजिए. पस में क्या होता है, एक लिक्विड निकलता है ना हमारा, गंदा सा स्मेली सा बैड स्मेल होती है उसकी. तो पस क्या होते हैं हमारे, ये हमारे मेनली कंपोज्ड होते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड, ये किससे बनती हैं, डेड डब्ल्यूबीसी से बनती हैं, ठीक है, मरी हुई डब्ल्यूबीसी से बनती हैं टुगेदर विद द टिश्यू, सब टिश्यू के साथ मिल जाती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, टिश्यू सेल्स एंड डिस्ट्रॉय, और किसको मार देती हैं, बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू ये मार दी जाती हैं डब्ल्यूबीसी. तो वहां पे क्या होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी उसको हमारे अंदर जो घाव हो जाता है उसको भर नहीं पाता है, उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह आते हैं उनको रोक नहीं पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी को ही खत्म कर देता है, और वहां पे क्या पड़ जाता है, पस पड़ जाता है, ठीक है. तो ये तब पस, अब जो डब्ल्यूबीसी का एक मेन काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, इसका क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज का क्या है, डब्ल्यूबीसी हमारी स्पेशली क्या करती है, डब्ल्यूबीसी स्पेशली प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी. एंटीबॉडी का क्या काम होता है, एंटीबॉडी का काम होता है, जैसे हम एक बार किसी डिजीज से, हमें बुखार आया, वायरल आया, ठीक है, तो ये हमसे लड़ रहा है, लेकिन जब ये लड़ने के बाद, एंटीबॉडी क्या होता है, लड़ने के बाद अगर वो बीमारी हमें दोबारा आती है तो ये हमने क्या करता है, एंटीबॉडी उनको रोकते हैं कि इसकी इम्यून सिस्टम बनी हुई है, इससे लड़ने वाले हमारे पास जर्म्स वो डब्ल्यूबीसी तैयार हैं, हमने इसके लिए एक एंटीबॉडी तैयार कर लिया है कि जो भी फीवर था पहले वो अगर दोबारा आता है तो वो दोबारा बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन चुके होते हैं, ठीक है. तो ये एंटीबॉडी का काम करता है कैसे, विच किल्स एंड न्यूट्रलाइजेस द जर्म्स, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है या जर्म्स को क्या करता है, मार देता है, ठीक है. अगर ये नहीं मारेगा तो क्या होगा, अगर उसका वो पॉइजन ही फैलाते हैं तो उसे वो रोक देता है, और द पॉइजन्स फॉर द, उनके लिए कैसा काम करता है, पॉइजन का काम करता है, एंटीबॉडी उनको मारने का काम करता है, ठीक है. जैसे क्या हुआ कि बच्चों को या हम लोगों को, अभी जैसे कोरोना था, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन हुआ,
वैक्सीनेशन से क्या हो गया, हमारे अंदर उसके लड़ने की क्षमता आ गई, उससे एबिलिटी आ गई, हम एबल हो गए कि उस डिजीज से हम लड़ सके, है ना। तो हमारे अंदर वो वैक्सीनेशन क्या करता है, उससे लड़ने की पावर देता है, उससे लड़ने वाले एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो यही होता है वैक्सीनेशन। और पर्टिकुलर डिजीज या जर्म्स जो भी आते हैं हमारी बॉडी में, उससे लड़ने के लिए उनको ये खत्म कर देते हैं, उनको मार गिराते हैं। एंटीबॉडी का काम ये होता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने की पावर देते हैं, एबिलिटी देते हैं कि जो भी बीमारी है हम उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं कि अगर वो डिजीज हमें होती है तो हम उससे बच जाए, ठीक है। उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल प्रिपेयर रहता है, रेडी रहता है, ठीक है। तो ये तो WBC इसके टाइप्स में आपको एक चार्ट बना के बता दूंगी, और एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन इसका डिफरेंस भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम इसे कर लेते हैं, RBC के भी एक दो टॉपिक रह गए हैं। तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों के जो थोड़े थोड़े टॉपिक्स है वो एक क्लास में हम पूरे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर। क्लास अच्छे से पेपर देते रहिए।